गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं। भैया एंड दीदी पनू गए हैं घर, और हमने इसलिए पिछले हफ्ते व्लॉग नहीं डाला क्योंकि इस हफ्ते मैंने डालना था शादी वाला व्लॉग, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है। तो फिर हम शादी के लिए जा रहे हैं ठियोग, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं पहाड़ियों की शादी किस तरह से वहाँ कल्चर होता है, एंड आप लोग जरूर इंजॉय करेंगे हमारे इस व्लॉग को। प्लीज़ व्लॉग में बनी रहिएगा, आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से हम शादी वाले घर को गए, क्योंकि वो शायद गांव का एरिया है, पता नहीं कैसे कैसे किस कैसे से रास्ते से हमको जाना पड़ेगा। ऊपर से आज है संडे, तो संडे को बसें जाती ही नहीं है वहाँ पर, तो देखते हैं हम कैसे स्ट्रगल करते हैं शादी में पहुँचते हैं। पर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है शादी की, क्योंकि हमारी पहली बार फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं, और वहाँ पर सबसे बड़ी अपनी फ्रेंड शादी में एक ही बेनिफिट होता है कि वहां पे काम कुछ नहीं करना पड़ता, बैठ के सिर्फ सब इंजॉय करना पड़ता है। तो घर से आइए मिताली, ये मेरी कजन है मिताली, स्पेशल शादी के लिए आई है, तो हम दिखाते हैं आपको, व्लॉग में बनी रहिएगा। तो हम ऑन द रोड है, पैदल चले हुए हैं बस तक, हमारे घर से थोड़ा आधे घंटे तक का रास्ता है बस तक, तब हम पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ से लेंगे हम दिल्ली के लिए बस, दिल्ली में हमारे को मेरी हमारी फ्रेंड मिलेगी, हम तीनों जाएंगे फिर शादी में। हम लोगों को विकास नगर से बस मिल चुकी है दिल्ली के लिए डायरेक्ट, और हम बस जस्ट पहुंचे ही थे बस के पास, और तुरंत हमको बस मिल गई, हमारा गुड लक। और अब हम डायरेक्ट दिल्ली को निकलेंगे, वहाँ हमको मंजू मिलेगी, इसके बाद हम जाएंगे ठियोगी बस। तो ये हम यहाँ पे हमारे को हम चार इकट्ठे हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ हम सरोग गली में उतरे हैं, और शिमला से आई इस वक्त थली से दहरी से, और अब हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। इस गली में अंदर जाना ही है सरोग गली, हमें यहाँ से सरोग 5 किलोमीटर आगे जाना है सरोग के लिए, और वहाँ से हमें काफ़ी पैदल चलना है अभी थोड़े रास्ते में। हाँ नीचे को बहुत ज़्यादा नीचे चलने को, इतना भी नहीं है, 5-10 मिनट का है, काफ़ी नीचे हो घर, तो हम बस का वेट कर रहे हैं। बस अभी 15-20 मिनट बाद बस आएगी, हम वेट कर रहे हैं। तो फाइनली हम सरोग उतर चुके हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा तालाब है, ये है यहाँ मंदिर, ये है यहाँ पे गांव का व्यू। तो हम लोग चल पड़े हैं गांव की ओर, जहाँ पे है शादी, हमारे को लेने आए हुए हैं, पर वो ऊपर ही रह गए, हमारे को बहुत एक्साइटमेंट है जाने की, कोई नहीं, पर हमारे को लग गया पता कि कहाँ जैसे जाना है, तो फिर हम पहुँचने ही वाले हैं। उस घर में है शादी, एक्साइटमेंट में इस घर में शादी, पता नहीं। हम घर से सुबह जल्दी आ गए थे, तो हमको बहुत भूख लगी थी, अब जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट करके यहाँ पड़ रहा है दीदी को तेल, और हम यहाँ बैठे हैं दीदी को तेल डालें, अभी तो नहीं डालेंगे हम, शाम को डालेंगे, अभी फिलहाल लसमें वगैरह हो रही है, और हम लगा रहे हैं हाथों में मेहंदी। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं मामा स्वागत के लिए, अभी तो फिलहाल हो रहा है ब्राइड का फोटोशूट उसके लहंगे के साथ, और हम भी आए हैं फोटोशूट के लिए, तो रेडी हुई है, मैंने पहना है ग्रीन कलर का गाउन, इसने पहना है ग्रीन कलर का शरारा। यहाँ पे ये है नीचे ना गिरी हो, वही ब्राइड का लहंगा, अरे अली भाई करेगी मेरा कर खुद को ऐसा ना, असली वाली स्माइल लो, खुशी वाली ब्राइड का स्ट्रगल, फोटोज खींचने के लिए ब्राइड का स्ट्रगल। आपने क्या करना जंप देख के, इसमें तो निकाल। तो हो चुकी है बाहर शाम, अब आने वाले हैं मामा वगैरह, तो यहाँ पे सब स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, मामा के हार वगैरह पहनाएंगे, और यहाँ पे गीत वगैरह भी गाएंगे लेडीज, और आ चुके हैं यहाँ पे। Oh, 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 oh
तो ये आए दीदी के मलोखी और मामा वगैरह शाम का 6 बजे का मुहूर्त था, तो आई थिंक 6:30 हो रखे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। अब पड़ेगा दीदी को मामा वाला तेल और हम तेल डालने भी जाएंगे। पड़ रहा है दीदी को तेल, मामा वगैरह ने तो डाल दिया है। अब आए हैं हम लोग यहाँ पे तेल डालने दीदी को, तो हम भी डाल देते हैं। यहाँ हो रहा है मामा मामी के द्वारा कोई कारज, पता नहीं कोई रस्म होती होनी। मामी डाल दिए ऐसे नीचे पानी, हमारे यहाँ पे ये मामा करता है शायद। तो यहाँ पे पूरा शांति पूजन समाप्त हो चुका है, तो लास्ट में हवन करते हैं, इनके ट्रेडिशन होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं। तो अब करते हैं हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म, कल का ब्लॉग अलग आएगा अलग पार्ट में, प्लीज़ उसके भी देखिएगा और इसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।